चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का जो कि बीजापुर से मिल रही है। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बस्तर संभाग के सामने आए मलेरिया के डराने वाले आंकड़े, पाए गए 9000 से अधिक मलेरिया पॉजिटिव मरीज। बड़ी खबर बीजापुर से बता रहे हैं आपको, जहां पर बीजापुर में मलेरिया के डराने वाले आंकड़े सामने, बच्चों का किया जा रहा है मलेरिया टेस्ट। आवासीय विद्यालय में मलेरिया से मौत के बाद प्रशासन अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री ने बीजापुर दौरे के दौरान दिए थे सख्त निर्देश। बड़ी खबर बीजापुर से आपको बता रहे, जहां पर स्कूलों छात्रावासों में मलेरिया से बचाव के लिए किया जा रहा है छिड़काव। बड़ी खबर बीजापुर से आपको बता रहे, जहां मलेरिया के डराने वाले आंकड़े सामने आए, 9000 से ज्यादा लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधा जुटा हमारे संवाददाता सतीश कुमार आलू से। जी सतीश, बताएं कि मलेरिया के डराने वाले आंकड़े सामने आए, 9000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। कल ही हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री बीजापुर के दौरे पर थे, उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे, इसके बाद इतने बड़े आंकड़े निकलकर सामने आ रहे, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? लगभग 9000 के ऊपर मलेरिया से पीड़ित जो है, 9000 ऊपर का संख्या जो निकल आया, कहीं ना कहीं डराने वाला संख्या है। और बता दें कि पीछे कुछ दिनों से जो है बीजापुर में जिस तरह का ये हलचल देखने को मिला है, खासतौर पर मलेरिया को लेकर के आवासीय विद्यालयों में जिस प्रकार से मासूम बच्चियों की मौत का जो आंकड़ा था वो निकल करके आया, उसके बाद से लगातार जो है प्रशासनिक और शासन स्तर पर हलचल देखने को मिला। और इसी का फलस्वरूप जो है कल स्वास्थ्य मंत्री जो है उनका आगमन हुआ था बीजापुर में, और उन्होंने जो है सभी जिला चिकित्सालय में सख्त निर्देश दिया है कि सभी जगह पर जो भी जितने भी आवासीय विद्यालय हैं वहां पर सख्त निर्देश दिया गया है कि सभी जगह मलेरिया टेस्ट किया जाए। उसके अलावा जो है मलेरिया का छिड़काव पूरे नगर और पूरे जिले में होना है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो फिर जितने भी आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चों के परिवार और माता पिता, उनका भी टेस्ट होना अनिवार्य है। अगर किसी को भी अगर किस प्रकार का लक्षण दिखाई देता है तो उनका बिल्कुल सैनिटाइज किया जाए और उनको मॉनिटाइज किया जाना चाहिए और उनके देखरेख के लिए व्यवस्था किया जाना चाहिए। उसके अलावा देखा जाए तो फिर बीजापुर जिला में अभी फिलहाल तो 300 से ज्यादा जो बच्चों की संख्या बताई जा रही है मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं, और जिनमें से 20 बच्चों का जो है उनका आगमन होने वाला है। उसके साथ में बस्तर सांसद जो है महेश कश्यप, उनका बीजापुर आगमन होने वाला है और कुछ ही देर में वो जो है बीजापुर पहुंचने वाले हैं। और बीजापुर में फिर एक कार्यक्रम होगा जिनका जो प्रधानमंत्री मोदी जी है जिनका एक लक्ष्य बनाया गया था कि एक पेड़ माँ के नाम का, तो इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं और उसके बाद में उनका कार्यक्रम जो है विस्तार पूर्वक जाएगा। इसके अलावा जो है फिर वो अपने वोटर्स से मिलेंगे और वोटर्स का आभार व्यक्त करेंगे और उसके पश्चात जो है समीक्षा बैठक होगी और काफी लंबी चौड़ी ये समीक्षा बैठक होने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों के लिए क्या रणनीति अपनाई जाएगी, किस तरह का जो है उपयोग करना है, किस तरह का ये सैनिटाइज होना है, पूरा सिस्टम को किस तरह से चेंज करना है, ये सारी चीजों बातों को लेकर के जो है काफी ज्यादा गर्मा गर्मी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में अधिकारी कर्मचारियों को भी सख्त निर्देश दिया जाएगा। इसके अलावा जो है इन दिनों में जो काफी हलचल देखने को मिली है, वो जो मलेरिया से मौत का वजह से जो बच्चियां जिन बच्चियों की मौत हुई थी उनकी मुआवजा राशि के लिए जो है आदिवासी समाज की तरफ से भी एक प्रेस नोट जारी किया गया था, जिनको 50-50 लाख का मुआवजा राशि देने की बात कही गई थी, तो हो सकता है कि उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा और प्रशासन को इस पर बात करने के लिए कहा जाएगा। तो ये तमाम चीजें जो है आज दिन भर हलचल में रहने वाली है। जी जी सतीश, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।